जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी। लैंडस्लाइड में दो अकीदतमंदों की मौत की खबर सामने आ रही है। जी हां, कई श्रद्धालुओं के फंसे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। इस वक्त दो श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर यह हादसा हुआ था। लैंडस्लाइड पहाड़ों के एक बड़े टुकड़े के इस रास्ते पर गिरने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन इस रास्ते से गुजरते हुए श्रद्धालु इसके चपेट में आए। दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अकीदतमंदों की मौत काफ़ी दुखद, जहाँ पे श्रद्धालुओं के और भी ज़्यादा फंसे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। घटनास्थल पर राहत बचाव का कार्य भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर ये पहाड़ से गिरा हुआ पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा जो कि इस रास्ते पर गिरा था, और हालांकि इस रास्ते को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से और मजबूती के साथ इसे पैक किया गया था ताकि किसी भी तरीके से यहां पे किसी तरह का कोई हादसा ना हो, लेकिन पहाड़ का ये बड़ा टुकड़ा इस रास्ते पर गिरा। इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आए हुए हैं। दो श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर सिचुएशन खराब होती दिखाई दे रही है। हालांकि ये पूरा रास्ता, अगर इस पूरे रास्ते की बात की जाए, तो इस रास्ते को लोहे की मोटी मोटी जालों से बंद किया गया है, पैक किया गया है, और ऊपर से एक मजबूत सी शेड बनाई गई थी ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। उसके साथ साथ दोनों तरफ से लोहे की मजबूत मजबूत एक दीवार टाइप की पिलर खड़ी की गई थी ताकि यहाँ पे श्रद्धालु आसानी से गुजर सके। कटवा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे के लैंडस्लाइड के मुताबिक? देखिए, इसमें दो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है। दोनों श्रद्धालुओं की पुष्टि करें तो महिला श्रद्धालु जो है वो पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली बताई जा रही है, और राहत और बचाव का कार्य जो है वो लगातार जारी है। एक बार फिर मैं आपको बताऊं तो लगातार बारिश जो है वो इस समय हो रही है, और हादसा होने के बाद जो है